नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम नाथ हूँ। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप इस औषधि को जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ आपको बताने के लिए। तो दोस्तों, ये जो औषधि देख रहे हो आप, कोई मामूली औषधि नहीं, बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है। हमारे भारतवर्ष में हर राज्यों में पाई जाती है ये औषधि। तो दोस्तों, आप इसको देख लो और पहचान लो। तो दोस्तों, ये जो औषधि है इसका नाम है अमरबेल। अमरबेल के नाम से जानी जाती है, हर राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, आपके यहाँ पे किस नाम से जानी जाती है आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अमरबेल की दवा कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में इसको लेना है, कैसे दवा बनानी है इसकी। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा भारतवर्ष जो है, ये औषधियों का भंडार है। यहाँ पे हर रोगों को जड़ से ख़त्म करने की दवा है, औषधि है। हमको पता नहीं रहता, हमको नॉलेज नहीं रहता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में इसकी दवा लेनी है, कैसे बनाना है इसकी दवा। इसके वजह से हम लोग इसके नॉलेज से अपरिचित रहते हैं, इसके वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपनी रोगों को जड़ से ख़त्म नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बालों की प्रॉब्लम जो भी है, जो भी समस्या है बालों की, जैसे कि बाल में डैंड्रफ हो गया है, बहुत ज़्यादा रूसी हो गई है, बाल झड़ना, कंघा आप लगाते हो बालों में तो कंघा भर भर के बाल आते हैं कंघों में, ऐसी प्रॉब्लम। और बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं, बहुत सी माताएं हैं कि जिनका बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है किसी भी वजह से, और किसी भी वजह से क्या, विटामिन की कमी होती है, इसकी वजह से बालों का झड़ना ज़्यादा हो जाता है। तो आपको करना क्या है, हमारे बहुत से भाई गंजे हो चुके हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उनको कैसे करना है, और हमारी जो बहनें हैं जिनका बाल झड़ रहा है उनके लिए कैसे करना है, उनको कैसे दवा बनानी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए, तो हम बताते हैं आगे आगे, देखते रहिए आप कैसे कैसे बनाना है इसको, इसकी दवा कैसे बनानी, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि अमरबेल लेके आना है आपको। अमरबेल की औषधि जो है आपको लेके आना है। तो ये जो औषधि होती है, ये दूसरे पेड़ के सहारे रहती है, इसमें जड़ नहीं रहती है, ये दूसरे पेड़ों के सहारे रहती है, इसमें जड़ नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिक उग जाती है पेड़ों पे। तो दोस्तों, आपको अमरबेल लेके आना है। उसको क्या करना है, आपको लेके आना है अमरबेल, और उसके 50 ग्राम के मात्रा में अमरबेल की सोर को ले लेना है, जड़ जो है इसका अमरबेल ले लेना है, औषधि ले लेना है। उसके बाद आपको 100 ग्राम तिल का तेल ले लेना है, तिल का तेल ले लेना है आपको 100 ग्राम, और उसमें 50 ग्राम की मात्रा में इसकी औषधि को डाल देना है, और उसको खूब उबालना है। उबालना है, उबालना इतना है कि जब तक ये अमरबेल की औषधि जो है वो जल के बिल्कुल काली ना हो जाए, तब तक आपको उसको उबालना है। जब वो जल के काली हो जाती है, इसके बाद तेल को आप छान लो, छान के रख दो किसी छोटे से बर्तन में, और उसी तेल का आपको इस्तेमाल करना है, अपने सर के बालों में लगाना है। और आपको कैसे लगाना है, रात को जब आप सोने जाते हो उसी टाइम आपको लगाना है, अपने उंगलियों से बालों के अंदर लगाना है तेल को। और जो हमारे भाई गंजे हो चुके हैं, उनको क्या करना है कि जो भी थोड़ा हल्का फुल्का बाल है उनके सर पे, उस बाल को मुड़वा ले, गंजे हो जाएं बिल्कुल, इसके बाद उस तेल को लगाना है। सुबह भी लगाना है, शाम को लगाना है, दोनों टाइम उनको लगाना है। तो अगर वो ऐसे लगाते हैं हमारे भाई, तो 10 से 15 दिन में उनके बाल धीरे धीरे उगने लग जाएंगे। तो कुछ दिन के बाद उनके बाल बिल्कुल आ जाएंगे, जो बाल झड़े रहेंगे। और हमारी बहनें जो हैं जिनका बाल झड़ रहा है, उनके लिए वो अपने बालों में लगाएं, 3 से 4 दिन लगाएंगे तो उनके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, और बाल बिल्कुल लाइट आ जाएगी बालों में, और बिल्कुल सुनहरा बाल हो जाएगा। इससे सुनहरा बाल होता है इससे, इसके तेल को लगाने से। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपको बताया गया है, आपको उसी प्रकार से उसका इस्तेमाल करना है, और उतने ही मात्रा में लगाना है। तो दोस्तों, आप कुछ दिन तक ऐसे लगाते हो तो आपका बाल बिल्कुल आ जाएगा, जो झड़ा हुआ बाल है वो बिल्कुल वापस आ जाएगा। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का यही मोटिव रहता है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नमस्कार, जय हिंद।